जादुई गाय। बहुत अरसा पहले एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे जिनका नाम था जैक और हैरी। वो दोनों बहुत धनवान थे। उन दोनों के बड़े बड़े खेत थे और वो बहुत सी गायों के मालिक थे, पर उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो हमेशा दूसरे किसानों को काम पर रखते और उनसे अपने खेतों में काम कराते। वो दोनों बड़े बड़े घरों में रहते और हमेशा महंगे कपड़े पहनते। पर सब कुछ होने के बावजूद जैक और हैरी खुश नहीं थे। मुझे और किसान चाहिए ताकि वो मेरी और ज्यादा पैसा कमाने में मदद कर सकें। मैं सहमत हूँ, पर मैं रेशम से बने कपड़े खरीदना चाहता हूँ। ओह, कैसा रहेगा अगर हम इतना पैसा कमा लें कि जेवरात से बना महल बना सकें? ओह, ये तो बहुत अद्भुत लगता है। उसी पड़ोस में कुछ घरों की दूरी पर थॉमस रहता था। थॉमस एक गरीब किसान था। उसके पास बस एक ही गाय थी और खेत का एक छोटा टुकड़ा। कैसे हो थॉमस? पड़ोस के गांव में एक आदमी अपनी गाय बेच रहा है, क्या तुम उसे खरीदना चाहोगे? काश मैं खरीद सकता, पर मेरे पास एक और गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तुम बहुत उदार हो। अगर मैं तुम्हारे पैसों से गाय खरीद भी लूं, तो बाद में वो कैसे जी पाएगी? मेरे पास इतना साधन नहीं है कि मैं दो गायों की देखभाल कर सकूं। ना ही मैं तुमसे हर दिन पैसे उधार ले सकता हूँ। वो कमजोर हो जाएगी। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, पर मेरे पास जो भी है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। थॉमस बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। हर दिन वो अपने खेत में जाता और पूरा दिन काम करता। फिर वो अपनी गाय के साथ घर आता और उसे चारा खिलाता। थॉमस ने कभी ज्यादा की मांग नहीं। वो उसके लिए धन्यवादी था जो सब उसके जीवन में था। वो हमेशा खुश रहता। पर जैक और हैरी खुश नहीं रहते थे। वे थॉमस से बहुत ईर्ष्या करते थे। ये थॉमस हमेशा खुश क्यों रहता है? मुझे भी यही विचार आता है जब भी मैं उसे देखता हूँ। उसके पास ना बड़ा घर है ना बड़ा खेत। शायद ये उसकी गाय की वजह से है। हैरी, उसकी एकमात्र गाय हमारी सब गायों को मिलाकर कहीं ज्यादा बेहतर है। शायद तुम सही कह रहे हो। उसकी यही एकमात्र गाय पूरे खेत जोतती है। मेरे पास एक आइडिया है, चलो उसकी गाय खरीद लेते हैं। अगले दिन जैक और हैरी थॉमस के पास गए और उससे पूछा, क्या वो अपनी गाय बेचना चाहेगा? पर यही एकमात्र गाय तो है मेरे पास। हम तुम्हें चांदी के 10 सिक्के देने को तैयार हैं। इससे अच्छी कीमत तुम्हें नहीं मिल पाएगी। बहुत सी गायें हैं बिकने के लिए। तुम दो खरीद लेना। ये एक अच्छा सौदा है थॉमस। ये अच्छा सौदा कैसे है? मेरे पास एक स्वस्थ गाय है जिसे मैं अच्छे से खिला सकता हूँ और उसकी देखभाल कर सकता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुमको ये गाय बेच दूँ और दो खरीद लूँ जिनकी मैं देखभाल नहीं कर सकता? मैं तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचूंगा, कृपया चले जाइए। जैक और हैरी बहुत गुस्से में आ गए, पर वो चुपचाप चले गए। वो अपने आप को समझता क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें ना कहने की? हम इस गाँव के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, है ना? उसे हमारी इज्जत करनी सीखनी होगी। उसे अपनी गाय पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। हमें उसे मजबूर करना होगा कि उसे वो गाय बेचनी पड़े। जैक और हैरी थॉमस को एक सबक सिखाना चाहते थे। उस रात वो चुपचाप अपने घर से निकले और थॉमस के खेत की तरफ चलकर गए। अपने दोस्त की चिंता किए बिना उन्होंने पूरे खेत में आग लगा दी। अगले दिन थॉमस उठा तो उसे आग के बारे में खबर मिली। वो भाग कर गया तो देखा कि उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। ओह नहीं, मेरी फसलें! अब मैं कैसे गुजारा करूंगा? दिन बीत गए और थॉमस द्वारा जमा सारा राशन खत्म हो गया। थॉमस और उसकी गाय के लिए अब कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था। दो दिन बीत गए हैं। मैं तो किसी तरह जी सकता हूँ, पर गाय नहीं जी पाएगी। मेरे ख्याल से गाय को बेचना ही होगा। जो कोई भी इसे खरीदेगा वो इसकी अच्छी देखभाल करेगा। थॉमस के पास एक छोटा सा शीशे का मर्तबान था जिसमें वो पैसे बचा कर रखता था।
उसमें ज्यादा पैसा नहीं बचा था। क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो अपने घर से कितने अरसे तक बाहर रहेगा, उसने फैसला किया कि अपना सारा पैसा एक बटुए में लेगा और उसने अपना गांव छोड़ दिया। जंगल से गुजरते हुए थॉमस ने महसूस किया कि उसकी जेब में उसका पैसा सुरक्षित नहीं है। मुझे इसे गाय की घंटी के साथ बांध देना चाहिए। यदि कोई चोर आता है तो वो कभी गाय पर हमला करने की नहीं सोचेगा। थॉमस ने गाय की घंटी के साथ बटुआ बांध दिया और आगे चला गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचा। उसने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। उसने अपनी गाय को छप्पर की छाया में बांधा और पीने का पानी ढूंढने चला गया। छप्पर के करीब एक अनाज और दालों की दुकान थी। उस दुकान का मालिक सैर के लिए बाहर आया। कितना बोरिंग दिन था ये। उसने छप्पर के निकट गाय को देखा और उसके करीब गया। जैसे ही गाय ने अपना सिर मालिक की तरफ घुमाया, उसके गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। अरे, ये कैसे हो गया? उसने नजदीक जाकर गाय का निरीक्षण करने का फैसला किया। जैसे ही उसने गाय की तरफ कदम बढ़ाया, एक और सिक्का उसके गले से गिरा। ये क्या? लगता है ये जादुई गाय है। मालिक ने गाय की घंटी से बंधे चांदी के सिक्कों के बटुए पर गौर नहीं किया। उसने उसे जादू की गाय समझकर तुरंत खरीदने का फैसला किया। ठीक तभी थॉमस वापस आया। नमस्कार जनाब, क्या ये गाय आपकी है? हाँ, क्या कुछ हुआ है? क्या आप इसे मुझे बेचना चाहेंगे? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ओह, बेशक। मैं करीब के गांव जा रहा था इस गाय को बेचने के लिए। शायद इसे पता नहीं है कि एक जादुई गाय है। लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर मैं इसके लिए तुम्हें 500 चांदी के सिक्के देने को तैयार हूँ। तो क्या हमारा सौदा पक्का? थॉमस हैरान था। उसने बिना समय गवाए सौदा स्वीकार कर लिया। उसने अपने 500 चांदी के सिक्के लिए और चला गया। अपने पैसे का बटुआ जो उसने गाय की घंटी से बांधा था उसे बिल्कुल ही भूल गया। थॉमस खुशी खुशी घर चला गया। जब वो वापस आया तो उसने जैक और हैरी को अपने दरवाजे पर देखा। वो पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि थॉमस उदास होकर घर लौटेगा, पर उसकी बजाय उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। कैसे हो थॉमस? तुम बहुत खुश दिख रहे हो। मैं हूँ। मैंने अपनी गाय एक उदार सज्जन को बेच दी। उसने मुझे उसका दाम 500 चांदी के सिक्के दिए हैं। 500 चांदी के सिक्के? 500 चांदी के सिक्के? हाँ, अब मैं और बड़ा खेत खरीद सकता हूँ। मैं और ज्यादा फसलें उगाऊंगा और उन्हें मंडी में बेचूंगा। मैं और ज्यादा गाय भी खरीद सकता हूँ। मेरे पास पर्याप्त साधन होंगे उनकी देखभाल करने के लिए। मेरी गाय सचमुच मेरे लिए खुशकिस्मत रही है। खैर, मैं अब बहुत थक गया हूँ। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा, चलता हूँ। दूसरी तरफ मालिक को थॉमस का वो सिक्कों से भरा हुआ बटुआ मिला जो गाय की घंटी से बंधा था। वो समझ गया कि ये कोई जादुई गाय नहीं थी, पर अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जैक और हैरी के प्रयास व्यर्थ गए। वो थॉमस को नाखुश देखना चाहते थे। हालांकि वो थॉमस से ज्यादा अमीर थे, उन्हें छोटा और गरीब महसूस हुआ। और दूसरी तरफ थॉमस इससे ज्यादा खुश पहले कभी नहीं था। जैक और हैरी ने निराशा में अपने सिर लटका लिए और चले गए। थॉमस ने अपने पैसे से बहुत बड़ा खेत खरीदा और बहुत सी गाय। उसने काम करना कभी बंद नहीं किया। वो फसलें और दालें उगाता और उन्हें मंडी में बेचता। धीरे धीरे अपनी मेहनत से वो गांव का सबसे अमीर किसान बन गया।